गोरखपुर जिले के मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डांगीपाल ग्राम सभा। डांगीपाल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गोद लिए गांव में से एक है। मुख्यमंत्री अन्य गोद के लिए गांव की तुलना में इस गांव का विकास तो हुआ है, परंतु अभी कई कार्य योजना बाकी है। ग्राम प्रधान दिलीप सिंह ने कहा कि गांव का विकास हुआ है और खासकर जब मंत्री ने गोद लिया, परंतु अभी इस कार्य से हैं जो बाकी रह गए हैं उनके लिए मैं लगा हूं ताकि उन कार्यों को भी समझते निदान हो जाए। ग्रामवासी मानते हैं कि गांव का विकास हुआ है, परंतु उनका कहना है कि सरकारी डॉक्टरों को समझ ना बैठने के कारण उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसपास कोई चिकित्सा केंद्र नहीं है। गांव के युवा वर्ग का कहना है कि उनको रोजगार चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे। जो भी नियुक्तियां निकलती हैं उनके आवेदन के फॉर्म भी की फीस इतनी अधिक होती है, कई उसके कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अधिकतर ये सुनाई देता है कि परीक्षा काफी बार आउट हो गया, परंतु आउट होने के बावजूद अभी तक संपर्क बचाव को रद्द नहीं किया जाता है। ऐसे में योग्य परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होता है, जिसके कारण उनका चयन रुक जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिलल बा, ये पर खाना पर तुरंत तो मिलल बा, कुछ नहीं मिलल बा। एलआईसी या डांगी पर और क्या कोई चीज़ हमको नहीं मिली। मकान कुछ नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं। क्या ये थोड़ी जरूरी है कि मैंने हमको डांगी पर में है, हमको गांव में नहीं मिला सुविधा, बाकी हर जगह तो मिल ही रहा। आपको नहीं मिला? हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला। चलिए छोड़िए वो सब, जाने दीजिए, लेकिन प्रदेश में काम हो रहा है। नाम का गोद इसलिए है, मान लीजिए यहाँ पर जो योजना आ रही है हम लोग तक नहीं पहुँच रही है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कौन श्री महाराज जी ने अपना 2014 में हम लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी सांसद थे उस समय हमारे यहाँ से, तो उन्होंने गोद दिया था हमारे गाँव को, ग्राम सभा डांगीपार ब्लॉक खोरावास। अच्छा अपना हमारे यहाँ से बहुमत भाजपा को मिला था और काफ़ी कुछ काम हुए हैं हमारे गांव के गांव क्षेत्र में। कुछ काम अभी अपना अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे प्रयासरत रहे उसके लिए। और पानी की टंकी से लगाया और सीसी रोड के काम कुछ हमारे ग्राम सभा में हुए। 511 शौचालय, 22 आवास और एक पानी की टंकी 4.5 लाख लीटर की है और 2 सीसी रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद में, मतलब हमारे गांव पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। और भी कुछ रोड अभी छूटे हुए हैं हमारे गांव में, ग्राम सभाओं में पंचायत भवन नहीं है, और पंचायत भवन के लिए और अपना कुछ सड़कें हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारी बातें जाती हैं तो हमारे गाँव का समग्र विकास माननीय